नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के नाइकपाड़ा में, वसई पूर्व के नाइकपाड़ा में। आज यहां कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसका हम इस समय लाइव रिपोर्टिंग करने आए हैं। दरअसल यहां कुछ दो पक्षों के बीच में मारहाण हुई है और अभी तक किसी के हताहत की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जो जानकारी सामने आई उसमें काफ़ी बेरहमी से एक व्यक्ति को यहाँ तलवार से मारा गया है और वहीं साथ ही साथ गन भी निकाली गई है। हमारे साथ यहाँ मनसे के नेता जयेंद्र पाटिल है। हम पहले इनसे बात करते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी भी है घटना के, इनको पूरी घटना के बारे में जानकारी है। क्या इनके पास जानकारी है हम बताएं। जयेंद्र भाई नमस्कार। जयेंद्र भाई, क्या हुआ था, कब की घटना है, क्या हुआ था? ये 6 बजे की घटना है। 6 बजे मैं ऑफिस में आया, जैसा तुरंत बोलेरो गाड़ी थी, सामने वाले ने एक बोलेरो गाड़ी को टकरा दिया और वो सामने से 4-5 आदमी वो दूसरे बोलेरो से निकल भाग गया और दूसरे बोलेरो से 2-3 आदमी तलवार निकल निकले और तलवार जैसे निकाले वैसे एक को बोलेरो से निकाला, दादू करके वो लड़का है उस पर डायरेक्ट तलवार से मारना चालू किया और उसको बचाने जाएगा तो एक के दूसरे के हाथ में एक बंदूक थी, वो बोला सामने कोई आएगा तो बंदूक से मार देगा, ऐसा डायरेक्ट सबको। तो बचाने के लिए कोई गए नहीं क्योंकि सब खुद का भी जान बचाने के लिए, मगर जैसा उन्होंने सामने वाले को मारना चालू किया उसके हाथ और पैर शायद तलवार से पूरा डैमेज कर दिया। ये कौन लोग थे, क्या यहाँ आसपास के रहने वाले थे? ये बाजू के ही लोग है, इनका शायद सुअर का धंधा है और दूसरी बात ये सुअर शायद वो एक गाड़ी में तो सुअर थे और एक गाड़ी में उन्होंने जितना मारा लगता है वो जिस गाड़ी में लोड करके गए वो सामने भी गाड़ी उधर खड़ी है, मगर इनका घर पर्सनल मामला घर का ही इशू रहेगा या सुअर के वजह से उनका इशू है वो कुछ मालूम नहीं इतना। अच्छा, जिसको मार लगी है उसको कितनी, क्या मार लगी, क्या अपडेट है? बहुत मार लगी, मतलब उसका पैर का तो पूरा मार दिया, सर पीर पे हाथ पैर पे तलवार से वो मार दिया उनको। यहाँ पे एक तलवार भी बरामद हुई ऐसी जानकारी मिली? हाँ, तलवार जब उसको वो उनके गाड़ी में डाल रहे थे तभी वो तलवार नीचे गिर गई। और उसकी परिस्थिति क्या होगी, उसको कहाँ, यही लोग कोई गाड़ी में डाल के लेके गए? वो लोग जिसने मारे ना उन लोगों ने गाड़ी में डाल के लेके गए क्योंकि वो बोल नहीं सकता क्योंकि मारने के चक्कर में ही थे, क्योंकि गाड़ी में डाल के लेके गए मतलब मारने के चक्कर में है। पुलिस आई थी अभी तो पुलिस ने यहाँ पर विजिट किया, पुलिस का अभी तक का क्या रोल है? पुलिस वाले ने कोऑपरेट किया, मतलब सबको जो इधर की जाँच पड़ता थी उन्होंने किया है क्योंकि थोड़ा सामने से जरा भीड़ थी, सब पुलिस वाले आए थे मगर सामने वाले भाग गए थे। तभी तो मनसे के नेता है, इन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से यहाँ कुछ लोग आए, गाड़ी में से उतरे और एक दूसरी गाड़ी, एक बोलेरो गाड़ी दूसरी बोलेरो गाड़ी को उन्होंने ठोक दिया, आप विजुअल में देख सकते हैं, और एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला शुरू कर दिया। उसके बाद में एक की परिस्थिति खराब है, उसको वही लोग एक दूसरी गाड़ी में डाल के लेके गए। अभी फिलहाल कहाँ है नहीं है इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जब हम यहाँ आए तो स्पॉट पे पुलिस मौजूद थी, हमने पुलिस से बयान लेने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि जब तक मामले में कुछ आगे कुछ अपडेट नहीं आती है तब तक वो बयान, आधिकारिक बयान पुलिस ने जारी नहीं किया है। तो अब देखना यह है कि इस मामले में कब आरोपी पकड़े जाते हैं, कब ये मामला खुलता है और पुलिस अपना आधिकारिक बयान जारी करती है। अभी के लिए इतना ही, वसई इससे यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।